हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम होम साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, एथिक्स इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में नैतिकता। और ये चैप्टर भी मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी, ताकि जो इंग्लिश में एग्ज़ाम करते हैं उन्हें भी परेशानी ना हो और जो हिंदी में एग्ज़ाम करते हैं उन्हें भी परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एथिकल प्रॉब्लम वी फेस इन फैमिली लाइफ एंड एट वर्क प्लेस। पहले तो एथिकल प्रॉब्लम को मैं बता दूं, हिंदी में कहते हैं नैतिक समस्या। तो इसमें ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हम क्या एथिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं फैमिली लाइफ में और अपने काम की जगह पे जहाँ हम काम करते हैं। तो आंसर है, सम अदर मेजर एथिकल प्रॉब्लम आर एज अंडर। फर्स्ट है इरेगुलरिटी एंड लैक ऑफ पंचुअलिटी, मतलब हम अपने काम को लेकर मतलब अपने काम को बहुत हल्के में लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि मतलब टाइम टू टाइम हर चीज़ करें। और दूसरा है रूड एंड इम्पोलाइट बिहेवियर, मतलब आपका बिहेवियर बहुत बेकार है, रूडली आप सबसे बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, आपका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है। तीसरा है डिसरिस्पेक्ट फॉर द जॉब, मतलब अपनी जॉब की आप इज्जत नहीं कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो और टाइम पे आप काम नहीं कर रहे हो, सारा काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, दिल से नहीं कर रहे हो, तो वो हो गया डिसरिस्पेक्ट, अब मतलब बेइज्जती कर रहे हो आप अपनी जॉब की। चौथा है डिसरिगार्ड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब आप अपने ऑफिस में या यही दोनों चीज़ को है कि फैमिली और ऑफिस दोनों में, कि मतलब आप घर टाइम से नहीं जा रहे हो और यही चीज़ अगर ऑफिस के लिए बोला जाए कि आप ऑफिस में टाइम से नहीं जा रहे हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस का टाइम है 8 बजे का लेकिन आप जा रहे हो 10-11 बजे, तो वो हो गया रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ना, वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन है आपके ऑफिस में लेकिन आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ रहे हो, तो वो होता है एथिकल प्रॉब्लम जो आप फैमिली लाइफ में और अपने काम की जगह पे फेस करते हो। वही चीज़ नीचे हिंदी में भी बताई गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथिक्स। आंसर है, मतलब एथिक्स का इसमें पूछा गया, एथिक्स का क्या मतलब होता है, नैतिकता का अर्थ क्या है। आंसर है, द वर्ड एथिक डील्स विद मोर इशूज़ एंड विद राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। एथिक्स टेल अस अबाउट आवर मोरल ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन सो दैट अवर बिहेवियर एट वर्क प्लेस और एट होम इज़ राइट एंड ट्रूथफुल। मतलब नैतिकता का अर्थ क्या है, कि इसमें जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि हमें अपना बिहेवियर सही रखना चाहिए घर और अपनी काम की जगह पे, दोनों जगह हमें बदतमीज़ी से नहीं बात करना चाहिए, हमें मतलब काम को लेके सीरियस रहना चाहिए, हर काम सही करना चाहिए, टाइम पे करना चाहिए और रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं तोड़ने चाहिए। तो इस एथिक्स में यही बताया जाता है कि आपको अपना बिहेवियर सही रखना चाहिए ताकि सही जगह रख मतलब घर पे और ऑफिस की जगह पर हर जगह अपना काम सही से रखिए, बिहेवियर सही रखिए ताकि आप सही और सच्चे दिखाई दें। जैसे कि नीचे ये हिंदी में बताया है कि एथिक्स शब्द सही और गलत व्यवहार के साथ व्यवहार करता है, नैतिकता हमें हमारे नैतिक कर्तव्य और दायित्व के बारे में बताती है ताकि हम काम या घर पर हमारा व्यवहार सही सच्चा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ पर्सनल एथिक, मतलब आपकी खुद की मतलब बिहेवियर, आपका नेचर, आपकी एथिक जो क्या है, नैतिकता उस बारे में है कि आप कैसे अपनी बिहेवियर सही कर सकते हो। आंसर है, अ पर्सन में अडॉप्ट पर्सनल एथिक ऑब्जर्व द एथिकल बिहेवियर थ्रू द फॉलोइंग हैबिट्स, मतलब आप किस तरह क्या क्या अपनी हैबिट्स क्या क्या आदतें ऐसी सही कर सकते हो। सिंसियरिटी और ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी रखनी चाहिए आपको, सिंसियर रहना चाहिए अपने काम को लेकर, सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है ट्रूथफुलनेस, सत्यता, मतलब सच्चे बन के रहना चाहिए, सच्चे दिल से हर काम करना चाहिए। तीसरा है रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड अदर्स, स्वयं और दूसरों के लिए सम्मान, मतलब खुद की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, किसी के सामने ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, अपनी इज्जत बना के रखनी चाहिए और अपने बड़ों की या सामने वाले की इज्जत करनी चाहिए। और डी है रिस्पेक्ट फॉर टाइम एंड वर्क, मतलब समय और कार्य के लिए सम्मान, आपका जो समय है, आपका जो कार्य है, काम है, उसको सम्मान देना चाहिए, तभी वो आपको सम्मान देगा और आगे चल के आप डेवलप होगे, आगे बढ़ोगे धीरे धीरे करके। तो
इस थर्ड क्वेश्चन का मतलब ये था पर्सनल एथिक, मतलब इन सब चीज़ों से आप अपने आप को कैसे सुधार सकते हो, ये टॉपिक्स हैं जिस जो जो आप अगर फॉलो करो तो आप सही हो सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाकी आप कुछ भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द कोड ऑफ एथिक्स, आचार संहित क्या है। तो आंसर है, कोड ऑफ एथिक्स मस्ट बी ड्रॉन अप कंपेरिजिंग ऑफ द फॉलोइंग नॉर्म्स। पहला है रेगुलरिटी एंड पंचुअलिटी, नियमितता और समय की पाबंदी, मतलब आपको सारा काम नियम से और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ करना चाहिए, और टाइम देखकर समय की पाबंदी के साथ करना चाहिए, टाइम टू टाइम हर काम करना चाहिए। दूसरा है डूइंग द असाइंड टास्क, नियत कार्य करना, मतलब दिल से सारा काम करना, कोई ये नहीं कि बस कर दिया छोड़ो हो गया काम टाल दिया। तीसरा है बीइंग पोलाइट, मतलब विनम्रता, विनम्र के साथ काम करना, जैसे कुछ आप कर रहे हो और अचानक आप भड़क गए छोटी छोटी बात पे, वो चीज़ गलत होगी, तो कूल डाउन होके आराम से हर काम हर चीज़ को डील करना चाहिए। और फोर्थ है रिस्पेक्ट टू ऑल, सभी का सम्मान, मतलब वही सिंपल सी बात है कि सबको इज्जत देनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। तो ये 4 कोड ऑफ एथिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि आप हर चीज़ में आगे जा सको और आपसे कोई चिढ़े ना, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए ताकि आपसे सब इम्प्रेस हों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज़ रूड एंड इम्पोलाइट बिहेवियर हार्मफुल, मतलब आपका रूड और इम्पोलाइट बिहेवियर आपके लिए कैसे हानिकारक हो सकता है, असभ्य और अशिष्ट व्यवहार आपका। आंसर है, इफ़ अ पर्सन इज़ रूड एंड इम्पोलाइट इन हिज बिहेवियर, एनी पर्सन विल नॉट लाइक हिम, मतलब अगर आपका बिहेवियर रूड है, आप गुस्से वाले हो और तमीज़ से किसी से हंसी मजाक, किसी का भी मजाक उड़ा देना, ठीक से आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। द रूड एंड इम्पोलाइट बिहेवियर कैन बी क्वाइट डिस्टर्बिंग फॉर द अदर पीपल, मतलब आपका जो ये इम्पोलाइट बिहेवियर होगा, रूड वाला नेचर होगा आपका, वो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियां भी हो सकती हैं, आपसे इरिटेट हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। यही चीज़ हिंदी में भी है, असभ्य और अशिष्ट व्यवहार कैसे हानिकारक है। उत्तर है, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में असभ्य है तो कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करेगा। वही बात है कि अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है, बात करने का ढंग अच्छा नहीं है, तो आपसे कोई बात करना नहीं चाहेगा, आपको पसंद नहीं करेगा। असभ्य और अशिष्ट व्यवहार अन्य लोगों के लिए काफ़ी परेशान करने वाला हो सकता है, मतलब आपका जो अशिष्ट व्यवहार है, जो गंदा नेचर है, वो आप काफ़ी लोगों के लिए परेशान करने वाली चीज़ होगी कि आपसे लोग इरिटेट हो जाएंगे। कभी कभार वाला गुस्सा चलो चलता है, आ गया गुस्सा नॉर्मली ठीक है, लेकिन अगर आप हर बात पे हर किसी पे ही गुस्सा करोगे तो वो चीज़ आपके लिए खुद के लिए ही गलत होगी, आपके लिए हानिकारक होगी, आपके बिहेवियर और आपके इमेज के लिए। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर दूंगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वैसे मैंने भी 3 साल NIOS में पढ़ाई करी है और मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है, तो मुझे नॉलेज है कि एग्ज़ाम कैसा होता है, कैसे पेपर्स आते हैं, तो इतना टफ नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, आराम से आप पास हो सकते हो, वो भी अच्छे नंबरों से। तो जैसे आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, गुड बाय।